प्रीतम मेरा सहयोगी है, अनन्य ताकतवर सहयोगी, तब उस पर पूरे केस बने हैं क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है वो। ये उसकी गलती थी कि उसने असंगत भाषा का प्रयोग किया। बागेश्वर धाम जी को मैं बहुत मानती हूँ, बल्कि मैंने पहली बार उनकी वो भाषा सुनी तो इवन आई वाज सरप्राइज किया रे, जब तो बिल्कुल ठुर बुंदेलखंडी नहीं जिसको बोलते टटरी के बंदे। दीदी दीदी पिछले दो हफ्ते से बुंदेलखंड और चंबल इलाके में जाति संघर्ष की स्थिति है, ब्राह्मण लोधी प्रीतम लोधी के बयान के बाद, फिर जो बागेश्वर धाम। आपने मेरे मन का सवाल कर लिया इसलिए मुझे इसका उत्तर देना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इंतजार, हाँ हाँ हाँ, मैं तो खुद ही इंतजार कर रही हूँ कि मैं, पहले मेरे मन में आया था मैं ट्वीट कर दूँ, तो मुझे लगा कि नहीं कभी मौका आएगा आपके सामने बैठी होंगी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि इसका जवाब आप कितना दिखा पाते। मैंने कहा ना वो महत्वपूर्ण नहीं, मैं तो रिपोर्ट कार्ड दे रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ, तो आप जितना दिखा पाएंगे, लेकिन आपके मन के बैकग्राउंड में तो मेरी कही हुई बात निहित रहेगी ना, कहीं रिकॉर्डेड रहेगी। पहली बात है कि प्रीतम मेरी बहन के रिश्तेदार हैं, मेरी बहन की पोती उनके लड़के को ब्याही है, तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। प्रीतम मेरा सहयोगी है, अनन्य ताकतवर सहयोगी, और प्रीतम के पिताजी जनसंघ में थे, वो मेरी वजह से भाजपा में नहीं आया है, वो भाजपा में था तो 1989 दिसंबर में हुआ ना, तो 90 का चुनाव लगता है वो, जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें मैं चुनाव जीती, प्रचंड मतलब रिकॉर्ड बनाया मैंने मध्य प्रदेश में, उसमें प्रीतम की भाजपा ने ड्यूटी लगाई खजुराहो में मेरी सीट पर, तो प्रीतम से मेरा तब से परिचय हुआ, पूरे 30 साल से वो बिल्कुल मुझ पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहा, और जब मैं भाजपा से अलग हुई तो वो अलग हो गया, जनशक्ति में आ गया, तब उस पर पूरे केस बने हैं क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है वो, और उससे उधर के जो सामंती वर्ग हैं ईर्ष्या करते थे, तो जैसे ही वो भाजपा से बाहर हुआ था तो उनकी बनी आई, तो उन्होंने तो उस पर इतने केस बनाए कि बेचारे को माफिया डकैत तो पता नहीं क्या क्या बना दिया, जबकि वो बहुत 84 के दंगे में सिखों को, हजारों सिखों को महीनों तक खाना खिलाता रहा था, गरीब आदिवासियों की वो इतनी सेवा करता रहा है, और मेरा बहुत अनन्य ताकतवर सहयोगी रहा है, मेरा बहुत बड़ा सहयोगी रहा और मेरे लिए जान देने को तैयार रहा। ये उसकी गलती थी कि उसने असंगत भाषा का प्रयोग किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया, एक मिनट में जैसे ही वो वीडियो मैंने देखा, मैंने कहा प्रीतम तूने ये क्या कर दिया, तुमको क्या हो गया है, तुम ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किए, गलत बात है, तुरंत माफ़ी मांगो और यहाँ आओ बी डी शर्मा जी से बात करो। वो आया, बी डी शर्मा जी से बात की, माफ़ी मांगी, फिर पार्टी ने कार्यवाही की, तो मैंने समझाया कि देखो नूपुर शर्मा पर भी पार्टी ने कार्रवाई की है, तो ये मत कहो कि इसमें कोई भेदभाव है, नूपुर शर्मा है जिस पर कार्रवाई हुई है, उसको निकाला है पार्टी ने, तुम पर भी कार्रवाई हुई है मैंने कहा, लेकिन तुम असंयत भाषा का प्रयोग करके ठीक नहीं किए। एक मुद्दा मुझे इस पर आगे दूसरी बात कहनी है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई एम गेटिंग ए चांस कि मैं अपनी बात कह दूँ। आपको दो तीन बातें बताया, जैसे रतन सिंह को हमारा रिश्तेदार बता देते हैं आप लोग, वो रिश्तेदारी मेरी बहन की बेटी ब्याई गई है 2003 में, और रतन सिंह जनसंघ के ज़माने से ही, वो बीजेपी से तब चुनाव लड़ रहे थे जब मैं बीजेपी में थी ही नहीं, मतलब मेरी उम्र ही नहीं थी बीजेपी में होने की। अब तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, जैसे बी डी शर्मा को स्तुति ब्याई है, वो कांति रावत मिश्रा की लड़की है, अब कांति तो बी डी शर्मा से पहले से बीजेपी में है, ने अपने नड्डा जी ब्याहे हैं बनर्जी परिवार में, जब नड्डा पैदा नहीं हुए थे तब से जयश्री बनर्जी और उनके जो पतिदेव थे वो जनसंघ के फाउंडर मेंबर्स में से हैं वो लोग, मतलब वो 60-70 साल पहले का मामला है, अब वो तब से चले ही आ रहे हैं, तो हम कहें कि वो उनकी वजह से राजनीति कर रहे हैं, ना ना ऐसा नहीं होता। इसी तरह से मेरा मामला है, इसमें ये रिश्तेदारियाँ मेरे परिवार से हैं, जैसे अखबारों में आया मेरी बहू चुनाव लड़ी, मेरा दर्द सुनना पड़ेगा, मेरे कोई बहू नहीं, बेटा ही नहीं है, बहू कहाँ से होगी, मेरे भाई का बेटा है वो जिसकी वो पत्नी है, मैं रिश्तेदारी नहीं मानती ना, आपको पता नहीं मैं रिश्तेदारी नहीं मानती हूँ, संन्यास ले लिया है मैंने, अपना पिंडदान अपना दर्पण खुद किया है, दीदी माँ बोल, इसलिए तो दीदी बोलने के लिए बोलती हूँ कि आप लोग मुझे दीदी बोलो, ये बुआ मौसी ये सब मुझे बिल्कुल नहीं जमता, बल्कि जब मैं संन्यास नहीं लिया था तब एक आध बार जब मेरी शादी तय होने लगी, जो बाद में मैंने एक बारात लौटा दी थी अंत में, तो वो लड़के जो डॉक्टर साहब थे उनके मित्र एक आध बार मुझे भाभी कह दी, मैंने कहा सॉरी नहीं कह सकते आप, शादी नहीं हुई है तो भाभी कैसे हो जाऊंगी, तो इसी तरह से ये बहू बेटा रिश्तेदार प्लीज़ इसे मुझे मुक्त रखिए। लेकिन प्रीतम मेरा बहुत बड़ा सहयोगी रहा और प्रीतम ने बहुत बड़ी गलती की असंगत भाषा का प्रयोग करके। अब ये जो दूसरी बात है ना जो आपने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि मैं शुरू से ही शिवराज जी को कह रही हूँ कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है सत्ता में और प्रशासन में और शासन में, ग्वालियर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, सागर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, रीवा संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, और मैं मंत्रिमंडल का जो दूसरा विस्तार हुआ, पहले में तो 3 बने थे, दूसरा जब हुआ तो मैं दुर्भाग्य से मैं लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में पेश होना था मुझे, तो मैं वहाँ थी, तो जैसे मैंने टीवी पर पट्टी देखनी शुरू की मैंने कहा भैया प्लीज़
आपका जो नाम आ रहे हैं मंत्रियों के, इसमें रीवा संभाग नेग्लेक्ट हो रहा है, इसमें ग्वालियर संभाग नेग्लेक्ट हो रहा है, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं है, इससे कभी असंतोष भड़क सकता है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि हम दोनों की प्राइवेट बात हो रही थी। लेकिन मैंने ये इशारा पहले कर दिया था कि सत्ता में, शासन में, प्रशासन में, भागीदारी में असमानता नहीं दिखनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं में भी बहुत असमानता आ चुकी है, और ये असमानता विभिन्न रूपों में भड़केगी और अराजकता उत्पन्न करेगी। इसलिए प्रीतम तो अलग मुद्दा हो गया है, अब तो मुद्दा आ गया है असमानता का, अभावग्रस्त समाज और सुविधायुक्त समाज, जो 9 point something है और अभावग्रस्त समाज है। इसलिए मैं तो उनकी कुछ बातों का समर्थन करती हूँ, लेकिन असंयत भाषा का प्रयोग, जाति विशेष को गाली देना, व्यक्ति विशेष को गाली देना, इसकी मैं निंदा करती हूँ। और मैं समझा रही हूँ प्रीतम को, मैंने कहा कि खबरदार जो तुम किसी जाति के बारे में बोले, और अब उस पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी तो अब मैं उससे बात नहीं करती। पिछले 15 दिन अब मैं, एक मिनट, अब मुझे अभी आगे कुछ और कहना है। 2-3 बातें ऐसी हैं जिनका मैं पूरा समर्थन करती हूँ, पिछड़े वर्गों को और 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को, उन्हें हमें पिछड़ा वर्ग ही मानना होगा, वो कहने के लिए ही सवर्ण है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो कायस्थ हो, या कोई भी हो, भूखों मर रहे हैं बच्चे उनके, बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, पढ़ने लिखने के, उनको मिलना चाहिए 10% आरक्षण। प्राइवेट सेक्टर में जब आरक्षण की मांग हो तो 10% उनको भी मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर, लेकिन ST SC और OBC को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके साथ 10% सवर्णों को भी गरीबी के आधार पर, वो उनको पिछड़ा ही माना जाए क्योंकि वो आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, वो मिलना चाहिए। सामाजिक सम्मान, आर्थिक उत्थान और सत्ता में बराबर की भागीदारी, ये ST SC और OBC को मिलनी चाहिए, ये शिकायत उनको नहीं रहनी चाहिए, और ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है और हमारी सबसे बड़ी है, क्योंकि आज हम केंद्र में बैठे हुए हैं कि अगर वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि हम कितने जिलों में कलेक्टर हैं, हम कितने जिलों में SP हैं, केंद्र में कितने हमारे मंत्री हैं, अगर वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि राज्य में हमारे कितने मंत्री हैं, तो वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं तो इसमें हमारी भूल है। अगर वो अपने आप को वहाँ नहीं पा रहे हैं और उनकी कुंठाएँ भड़क उठी हैं, नाराजगी, कुंठा भी नहीं है, नाराजगी है, असंतोष है, वो इसलिए इसको तो ठीक से टैकल करना पड़ेगा पूरे देश को। ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस व्यवस्था को दुरुस्त करें, जहाँ जहाँ उनकी सत्ताएँ हैं वहाँ वहाँ पर इसको दुरुस्त करें। बाकी ये जो हो रहा है ये तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा, मुझे बहुत, क्योंकि मैं रामभद्राचार्य जी को बहुत मानती हूँ, अब कोई कुछ उनके बारे में बोल देगा तो मैं तो नहीं सह पाऊँगी। उनको मैं नहीं जानती, क्या नाम है उनका, बागेश्वर धाम जी को, क्योंकि वो एकदम नए राइज हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड का खूब नाम उनने बढ़ाया है विदेशों में भी जा कर के, उनको तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था, वो इतने बड़े संत हैं, अब वो प्रीतम के लेवल पर आ गए, तो अब मैं क्या करूँ, अब तो उनके और प्रीतम के बीच में ही हो गया, नहीं तो मुझे बोल देते सीधे कि दीदी प्रीतम को डांटो। बागेश्वर धाम जी को मैं बहुत मानती हूँ, मतलब मैंने सुना है उनको, मतलब फेस टू फेस तो देखे ही नहीं कभी उनको, बल्कि मैंने पहली बार उनकी वो भाषा सुनी तो इवन आई वाज सरप्राइज किया, अरे ये तो बिल्कुल ठुर्र बुंदेलखंडी नहीं जिसको बोलते टटरी के बंदे, दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ वेरी, ठीक है, ये कुल मिलाकर के अप्रिय प्रसंग हो गया, और इस अप्रिय प्रसंग को ठीक करना मेरा काम नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है, समाज सेवियों का काम है, संतों का काम है कि वो इसको ठीक करें। बाकी जो संघर्ष का आज एक जो उमड़ाव आ रहा है और भीड़ उमड़ रही है, ये पूरे देश में भी उमड़ने की स्थिति बन सकती है, इसलिए जितने जल्दी हो सके हम इन चीज़ों को दुरुस्त कर लें। अमीर और गरीब के बीच में एक खाई आ गई है, रोटी सबको मिल रही, भूखों लोग नहीं मर रहे, लेकिन जीवन की सुविधाओं में अंतर आ गया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, अपने पेट काटने पड़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के लिए, अस्पतालों में 1-2 lakh rupees दिए बिना सांस नहीं ले पा रहे हैं गरीब लोग, मकान बेच रहे हैं, औरतें अपने मंगलसूत्र बेच रही हैं, और सरकारी योजनाओं का कोई लाभ, कोई रिलीफ मिल नहीं पा रहा है। ये चीज़ें अगर दुरुस्त नहीं की तो ये असंतोष के रास्ते निकालेगा अपने भड़कने के, जैसे ज्वालामुखी जो है वो अपने रास्ते निकालते हैं भड़कने। मैं चाहती हूँ समाज में सामंजस्य हो, और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण समाज से ही अपील करूंगी कि भगवान ने उनके बारे में कहा है गीता में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभि हस्तनी सुनी चै विश्वपाक्य च पंडित आश्रम दर्शना, विद्या और विनय से संपन्न जो ब्राह्मण होगा वो सबको एक समान लिखेगा। तो इसलिए वो इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाए और क्षमा दान करें अपनी तरफ से, यही उनकी विशेषता रही है, वो गुरुजन है, गुरु के स्थान पर बैठे हुए लोग हैं, और मैं पिछड़े जातियों के लोगों से भी निवेदन करूंगी कि आप सामाजिक शब्द का, जाति का उच्चारण मत करिए, व्यक्ति का उच्चारण मत करिए, आप मुद्दे उठाइए, उस मुद्दे पे देश का बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ है, लेकिन गाली गलौज में कोई आपका साथ नहीं दे पाएगा।